सुप्रभात बच्चों, फिर से आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम शगुफ्ता, मैं आपको हिंदी यह विषय सिखाने वाली हूँ। पिछली तासिका में हमने हिंदी पाठ्यपुस्तिका की पहली कविता देखी थी, जिसका नाम था चलता चल। हमने इस कविता को पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि इस कविता को आप कंठस्थ कर लीजिए। उम्मीद है आपने इसको कंठस्थ कर लिया होगा। चलिए मैं इस कविता को फिर से एक बार गाती हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए। ओ ननिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे बढ़ता चल। ओ ननिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे बढ़ता चल। आलस से हरगिज काम ना ले, रुकने थमने का नाम ना ले। आलस से हरगिज काम ना ले, रुकने थमने का नाम ना ले। धुन की ज्वाला में जलता चल, ओ ननिहाल तू चलता चल। ओ ननिहाल तू चलता चल। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। कठिनाइयों से लड़ता चल, ओ ननिहाल तू चलता चल। ओ ननिहाल तू चलता चल। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो तो गिरने दे। शेरों की तरह गरजता चल, ओ ननिहाल तू चलता चल। ओ ननिहाल तू चलता चल। तू भूखा रह पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर। तू भूखा रह पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर। सब संकट सिर पर सहता चल, ओ ननिहाल तू चलता चल। ओ ननिहाल तू चलता चल। इस कविता को हमने पिछली तासिका में पढ़ा था। इससे हमें यह प्रेरणा मिली थी, यह सीख मिली थी कि जीवन में जो भी परेशानियाँ आए, कठिनाइयाँ आए, मुसीबत आए, तो उसका हमें सामना करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और हमेशा सच की राह पर चलना है। तो इसी तरह आज की हम तासिका में हिंदी पाठ्य पुस्तिका का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, जो हमें एक साहसी लड़की, जो हमें अपने जीवन में किसी भी मुसीबत का सामना साहस से करना होगा, इसकी हमें सीख मिलती है। उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आप में से किन्हें जंगल की सैर करना अच्छा लगता है? आप में से किन्हें जंगल की सैर करना अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है, हरियाली देखना अच्छा लगता है, जंगल में जाकर जानवरों को देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं, तो हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। दूसरा सवाल, जंगल में आपको कौन से पशु दिखाई देते हैं? जंगल में आपको कौन कौन से पशु दिखाई देते हैं? जंगल में तो बहुत सारे पशु रहते हैं, जैसे सिंह हैं, शेर, बाघ आदि। जंगल में आपको कौन कौन से पशु दिखाई देते हैं? जंगल में आपको कौन कौन से पशु दिखाई देते हैं? शेर है, सिंह है, हाथी है, हरिन है, बहुत सारे पशु जानवर हमें आपको दिखाई देते हैं। पशु कितने प्रकार के होते हैं? पशु कितने प्रकार के होते हैं, कोई जानता है? जी सही कहा, पशु दो प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी, जो सिर्फ सब्जियों पे यानी पेड़ पौधे पे जीवित रहते हैं, उन्हें कहते हैं शाकाहारी। और दूसरा है मांसाहारी, जो मांस मच्छी खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। तो जानवर पशु दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी ज़्यादातर, यह जो पशु होते हैं, ज़्यादातर जंगल में रहा करते हैं, वहाँ के छोटे छोटे पशुओं को खाकर वो अपना बसेरा करते हैं। ऐसा कौन सा पशु है जिसके शरीर पर घने बाल होते हैं? ऐसा कौन सा पशु है जिसके शरीर पर घने बाल होते हैं? जी सही कहा, यह है भालू। भालू के शरीर पर बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं, ये ज़्यादातर जंगल में भी पाया जाता है। तो इसी पे आधारित हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, साहसी नीलू। इसमें एक नीलिमा नाम की एक लड़की है, उसकी साहस की परिक्रमा के बारे में हमें बताया गया है कि किस तरह उसने भालू से लड़कर एक बच्ची की जान बचाई है। प्रस्तुत पाठ साहसी नीलू, इसके लेखक है रामचंद्र पंत। प्रस्तुत पाठ साहसी नीलू में लड़की नीलू का अपूर्व साहस बताया गया है। पहाड़ी की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, सराई खेत। घने वृक्षों से घिरा होने के कारण गांव में अक्सर हिंसक पशु आया करते थे और गांव के छोटे छोटे जानवरों को उठा ले जाते थे। गांव के मुखिया के एक 12 वर्ष की लड़की नीलिमा थी, जो बहुत ही साहसी थी। उन्होंने एक बच्ची, जो 5 वर्ष की बच्ची जो आंगन में खेल रही थी, वहां पे भालू आ गया था और उस बच्ची की ओर लपट रहा था। तभी साहसी नीलू ने अपना पराक्रम दिखाया और उस बच्ची को बचाया। तो सबसे पहले आप भी अपनी किताबें खोलिए, पन्ना नंबर 13।
इस पाठ को आप अपने सामने रखिए और जो मैं पढ़ रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। सब में पहले इसको मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पाठ क्रमांक 2, साहसी नीलू, लेखक रामेश चंद्र पंत। लेखक रमेश चंद्र पंत। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सराई खेत। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा वह काफी सुंदर लगता था। चीड़ के घने वृक्षों के बीच देवदार के खूब लंबे एवं उच्चे वृक्ष गांव की शोभा को और बढ़ा भी रहे थे। चीड़ के घने वृक्षों के बीच देवदार के खूब लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। गांव की चूकी घने वृक्षों से घिरा था, इसलिए अक्सर हिंसक पशु गांव में आ जाया करते थे। बाघ द्वारा कुत्ते एवं छोटे छोटे जानवरों को जब तब उठा ले जाना यह सामान्य बात हो गई थी। चलो मैं पहले आपको इसका अर्थ बताती हूँ। पहाड़ की तलहटी, तलहटी यानी क्या, पहाड़ के नीचे का मैदानी भाग यानी वैले जो होता है, जो पहाड़ी होती है, पहाड़ के नीचे जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे कुछ घरे होती है तो उसको कहते हैं तलहटी। तो ऐसे ही तलहटी में कुछ गांव था, वहाँ पे कुछ घर रहते थे, तो वहाँ पे यह सराई नाम का एक छोटा सा गांव था। सराई खेत गांव कहाँ बसा था? सराई खेत गांव उत्तराखंड राज्य में बसा था। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा हुआ घर चारों ओर चीड़ से घने वृक्षों से घिरा हुआ गांव काफी सुंदर था। चीड़ के वृक्ष यानी ये वृक्ष जो है ज्यादातर पहाड़ी एरिया में और या जंगल में पाए जाते हैं। ये देखिए देवदार का पेड़ और चीड़ का पेड़, ऊपर जो दिखाई दिया है वो देवदार का पेड़ और नीचे जो है वो चीड़ का पेड़ है। यह ज्यादातर जंगलों में या पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। चीड़ देवदार जैसे वृक्षों के अलावा और कौन कौन से वृक्ष घने या लंबे होते हैं आपको पता है? जी हाँ, सही बात, पीपल, बरगद, ये भी जो वृक्ष होते हैं वो जो बहुत ही घने और लंबे होते हैं। चीड़ के घने वृक्षों के बीच देवदार के खूब लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। गांव चूंकि घने वृक्षों से घिरा था इसलिए अक्सर हिंसक पशु, हिंसक यानी जो जानलेवा होते हैं जो हमें तकलीफ दे सकते हैं, तो ऐसे पशु अक्सर गांव में आ जाया करते थे। वो लोग गांव में आकर जो छोटे छोटे जो कुत्ते बिल्ली जो भी ऐसे जानवर होते हैं उनको मार देते थे। यह वहाँ पे एक सामान्य बात थी क्योंकि अभी हमेशा वहाँ पे उस जानवर आ जाया करते थे। गांव में कुल मिलाकर 15-20 परिवार ही रहते थे। खेती ही सभी के जीवन पायन खेती ही सभी के जीवन यापन का एकमात्र सहारा थी। गांव में जो तलहटी में जो गांव था वहाँ पे सिर्फ 15 या 20 ही गांव रहते थे। वहाँ तलहटी के जो तलहटी का जो भाग था वहाँ पे सिर्फ 15 या 20 ही लोग रहते थे। तलहटी का जो भाग था वहाँ पे कुल मिलाकर 15 या 20 ही परिवार रहा करते थे, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे और वहाँ के लोगों का खेती करना यही ही उनका जीवन का एकमात्र सहारा था। इसी गांव के मुखिया की एक लड़की नीलिमा थी। मुखिया यानी प्रधान, जो गांव का मुख्य होता है उसे कहते हैं मुखिया। तो उस मुखिया की एक लड़की थी, उसका नाम था नीलिमा। उम्र यही कोई 12 वर्ष थी। गांव के लोग उसे नीलू कहकर पुकारते थे। नीलू थी तो छोटी लेकिन बहुत साहसी थी। अक्सर छोटे मोटे हिंसक जंगली जानवरों को वह दरांती लेकर खदेड़ दिया करती थी। नीलिमा जो मुखिया की बेटी थी वो सिर्फ 12 वर्ष की थी लेकिन वो दिखने में छोटी थी लेकिन उसका पराक्रम बहुत ही अद्भुत था। वो बहुत ही साहसी लड़की थी। जो ऐसे गांव में जो छोटे मोटे जानवर आते थे उनको वह दराती लेकर खदेड़ दिया करती। दराती यानी लोहे का धनुषाकार औजार, इसे कहते हैं दराती। ये लोहे का औजार होता है तो मतलब ज़्यादातर किसान लोग इसको अपने घर पे रखती है, झाड़ वगैरह तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता था। तो नीलू इसका इस्तेमाल जानवरों को मारने के लिए करती थी। खदेड़ना यानी बलपूर्वक हटाना, खदेड़ना यानी बलपूर्वक हटाना। तो उस दराती का इस्तेमाल कर वो जानवरों को वहाँ से हटा देती थी, भगा देती थी। अनेक बार तो उसके पिता ने समझाया भी था, बेटी इस तरह जंगली जानवरों के पीछे पड़ना बहुत खतरनाक होता है। उसके पिता ने भी उसको बहुत बार समझाया
कि तुम इस तरह जानवरों के पीछे जाती हो, कभी कभी इसका असर बुरा भी हो सकता है, तो इस तरह उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। कभी कभी वे पलटकर हमला भी कर देते हैं और फिर उनसे बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल यानी कठिन। अभी वो उस जानवरों के पीछे दराते लेकर भागती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जानवर पलट कर भी वार कर सकते हैं। इसलिए उसके पिताजी उसको समझाया करते थे कि हमेशा इस तरह जानवरों के पीछे जाना मुश्किल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। दराती जैसे अन्य औजारों के बारे में बताइए। जिस तरह दराती, ये जो लोहे का औजार है जो उस जानवरों को भगाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, आप अपने घर में कुछ बताइए या आपको जिसका नाम पता है बताइए। कुल्हाड़ी है, जैसे इसका भी इस्तेमाल लकड़ी तोड़ने के लिए वगैरह किया जाता है। आप घर में नॉर्मली सब्जी कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाकू का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे कभी खेलना नहीं चाहिए, ज़रूरत के वक्त ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन पिताजी, आपने ही तो कहा है कि इन जंगलों के बीच यदि रहना है तो साहसी तो होना ही पड़ेगा, और पिता चुप हो जाते। लेकिन नीलिमा, जब पिताजी ऐसा कहते हैं तो नीलिमा कहती है, पिताजी आपने तो कहा था अगर जंगल में रहना है तो हमें साहसी बनना है, हर कठिनाइयों का सामना करना है। नीलम की यह बात सुनते ही पिताजी चुप हो जाते हैं। नवंबर का महीना था, गांव के बड़े बूढ़े लकड़ियां लाने जंगल चले गए थे और स्त्रियां गांव से दूर खेतों में काम करने गई थी। नवंबर का महीना, साल के कितने महीने होते हैं? 12। और नवंबर के पहले कौन सा महीना आता है? नवंबर के पहले अक्टूबर का महीना आता है और नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आता है। सही कहा, तो नवंबर के पहले अक्टूबर का महीना आता है और नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आता है। वैसे तो नवंबर में ज़्यादातर ठंडी पड़ती है। नवंबर का महीना था, सभी बूढ़े जो है लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल गए थे और जो भी स्त्रियाँ, जो भी औरतें थी, वो खेतों में काम करने के लिए गई थी। घर पर सारे बच्चे अकेले थे। नीलू घर के बाहर गांव के कुछ अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए मग्न थी। मग्न यानी लीन होना, मग्न होना यानी लीन होना, किसी काम में व्यस्त होना। अचानक पास के जंगल से एक भालू गांव में घुस आया। बच्चों को देखकर वह उनकी ओर लपका, लपका यानी उनकी ओर आगे बढ़ने लगा। बच्चे डरकर शोर मचाने लगे। जैसे ही भालू उनके पास आया तो बच्चे उससे डर गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। जिसे जिधर रास्ता मिला वह उधर ही भागा निकला। 5 साल की एक नन्ही बच्ची भाग न पाने के कारण खूब जोर जोर से रो रही थी। नीलू अपने घर की खिड़की से भाग आने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, लेकिन बच्ची कुछ सुन ही नहीं रही थी और लगातार रोए जा रही थी। भालू भी उसी की ओर बढ़ा जा रहा था। जहाँ सभी बच्चे खेल रहे थे, वहीं एक 5 साल की बच्ची थी, वो वहीं फंस गई। वो इतनी छोटी होने के कारण भालू आ जाने के बाद भी वो वहाँ से भाग नहीं पाई। नीलू बाहर से बहुत चिल्ला रही थी कि बाहर आ जाओ, लेकिन उस बच्ची को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन बच्ची कुछ सुन नहीं रही थी, लगातार रोए जा रही थी और भालू जो है उसी बच्ची की ओर आगे बढ़ रहा था। एक क्षण की भी देरी किए बगैर नीलू रसोई में घुस गई। रसोई के एक कोने में चावल का कनस्तर रखा हुआ था। जैसे ही बच्ची उस घर में फंसी हुई थी तो नीलिमा ने एक क्षण भर भी उसने विचार नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं, लेकिन उसने अपना साहसी पराक्रम दिखाया। उसने रसोई घर के अंदर गई और वहाँ पे कनस्तर यानी क्या होता है, टीन का पीपा जो पत्रे का बना होता है, जिसमें हम गेहूँ चावल आदि यह सामग्री रखा करते हैं। एक क्षण भी की देरी किए बगैर नीलू रसोई में घुस गई। रसोई में एक कोने में चावल का कनस्तर रखा था। रसोई के कोने में क्या रखा गया था? जी सही कहा, रसोई के कोने में कनस्तर रखा गया था। कनस्तर के चावल के जल्दी से जमीन पर उलटकर कनस्तर लेकर वह तेजी से बाहर आ गई। वह टीन के कनस्तर को खूब जोर जोर से पीटे जा रही थी। कनस्तर की आवाज सुनकर भालू का ध्यान बच्ची की ओर से हट गया। जैसे ही उसने कनस्तर बाहर लेके आई तो नीलू ने क्या किया, जहाँ भालू जो है बच्चे की ओर लपट रहा था, तो क्या किया नीलू ने, कनस्तर के अंदर जो भी चावल रखे थे उसको बाहर निकाल फेंक दिया और उस कनस्तर यानी उस टीन के जो पीपा था उसको जोर जोर से भालू के आगे बजाने लग गई, जिससे भालू क्या हो गया, भालू टीन की आवाज़ सुनकर नीलू की ओर आ गया और उस बच्चे की ओर से उसका ध्यान भटक गया। अब वो नीलू की ओर आगे बढ़ने लगा। नीलू टीन को पीट पीट कर उसे डराने का प्रयास कर रही थी।
नीलू जो है भालू के सामने उस टीन को जोर जोर से पटक रही थी, जिससे भालू नीलू की ओर आ रहा था और नीलू टीन को पटक कर उसको डराने की कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। प्रयास यानी कोशिश करना। लेकिन भालू बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ा जा रहा था। लेकिन भालू बिल्कुल नहीं डर रहा था, वो नीलू की ओर आगे बढ़ता ही जा रहा था। नीलू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जैसे ही भालू, उसको लगा था कि जैसे ही वह आवाज़ करेगी तो भालू वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन भालू वहाँ से नहीं गया और उसके आगे और बढ़ने लगा। अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमला करना यानी आक्रमण करना। तो अचानक भालू ने उसके ओर झपेट लिया। वह उछलकर एक और हट गई। अब वह और भी तेजी से नीलू पर झपटा। नीलू ने जल्दी से कनस्तर का खुला मुंह उसकी ओर कर दिया। जैसे ही भालू ने उसके ओर लपेटा तभी वह उछलकर दूसरी ओर चली गई। और जैसे ही भालू और आगे आने की कोशिश कर रहा था तो उसने जो कनस्तर था उसका मुँह खोल दिया। भालू का सिर गोल मुंह वाले कनस्तर में फंस गया। जैसे ही उसने फिर से छलांग लगाई तो उसने उस कनस्तर का मुंह खुला रख दिया और उसका जो भालू का जो मुंह है उस कनस्तर के अंदर फंस गया। भालू का सिर गोल मुंह वाले कनस्तर में फंस गया। अब वो बुरी तरह छटपटाने लगा। छटपटा यानी पीड़ा के कारण हाथ पैर मारना। अगर हमें कोई परेशानी हो, अगर हमें हमारी सांस ही हम कभी रोक दे तो हम छटपटाने लगते हैं, हमारे हाथ पैर चलाने लगते, क्योंकि हमें वहाँ पे तकलीफ होती है। जिस तरह उसका सर उस कनस्तर में लगा गया था तो भालू भी छटपटाने लग गया। लाख कोशिशों के बावजूद वह अपना सिर कनस्तर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की उससे वो बाहर निकले, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वह वहाँ से नहीं निकल पा रहा था, वो उसके अंदर फंस गया था। थोड़ी ही देर में वह पस्त हो गया। पस्त हो गया यानी थक जाना, हार मान लेना। तो उसने बहुत कोशिश की उससे बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल रहा था, वो आखिर में पस्त हो गया, थक गया। दो तीन बच्चों की सहायता से नीलू ने भालू के एक पैर को एक पेड़ से बांध दिया। फिर जैसे उसमें वो फंस गया, नीलू ने और दो तीन बच्चों की सहायता ली। उन बच्चों की सहायता से रस्सी से उसने एक पेड़ को उस भालू को बांध दिया। अब वो वहां से हिल नहीं पा रहा था। गांव के लोग नीलू के इस साहस को देखकर दंग रह गए थे कि इतनी छोटी बच्ची, 12 साल की बच्ची ने इतना अच्छा काम किया। यह सब लोग देखकर दंग रहना यानी आश्चर्यचकित होना, कि मतलब ऐसा कुछ काम कर देना जिसे वो अपेक्षित नहीं होता था, ऐसा काम उसने किया था। तो सभी लोग उसको देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। आप भी देखो, कभी कभी पढ़ाई में अच्छा, मतलब आपके हमेशा अच्छे नहीं आते, लेकिन कभी आपके बहुत अच्छे गुण, अच्छे अंक आ गए तो आपके माँ बाप भी दंग रह जाते हैं। उस वक्त आपको बहुत शाबाशी दी जाती है। सभी ने उसको खूब शाबाशी दी। उसी के साहस और बुद्धि के कारण नन्ही बच्ची की जान बच सकी थी। आपको भी जब तो उसी तरह उस बच्ची को भी सभी ने शाबाशी दे दी और उस बच्ची ने, उस 12 साल की बच्ची ने उस 5 साल की बच्ची की जान बचा ली थी। नीलू को उस असाधारण साहस के लिए सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया। उसने इतना साहसी पराक्रम दिखाया एक 12 साल की बच्ची ने, तो सरकार ने उसको उस काम के लिए, उस साहसी पराक्रम के लिए पुरस्कार दिया गया और सभी लोग उसकी वाहवाही करने लगे। ये है भालू जो अभी हमने इसका देखा था। अभी हमने इस नीलिमा नाम की एक लड़की की हमने साहस से भरी परिक्रमा की कहानी सुनी है। उम्मीद है आपको इस कहानी का अर्थ समझ में आ गया और इस कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर से आप इस कहानी का पठन कीजिए। अभी मैं आपको इस पाठ के कुछ कठिन शब्द बोलती हूँ, आप भी मेरे पीछे दोहराइए। कठिन शब्द, तलहटी, पहाड़ के नीचे का मैदानी भाग। तलहटी, पहाड़ के नीचे का मैदानी भाग, जो पहाड़ के नीचे जो मैदानी भाग होता है उसको कहते हैं तलहटी। मुखिया प्रधान, जो गांव का मुख्य होता है उसे कहते हैं मुखिया। और नीलिमा किसकी बेटी थी? नीलिमा मुखिया की बेटी थी। दरांती यानी लोहे का धनुष आकार का औजार।
दरांती यानी लोहे का धनुषाकार आकार का औजार। खदेड़ना, खदेड़ना यानी किसी चीज को बलपूर्वक हटाना, खदेड़ना यानी बलपूर्वक हटाना। मुश्किल, मुश्किल यानी कठिन, जैसे हमने पिछली कविता में भी देखा था कि हमें जो भी कठिनाई मुश्किल है उसका सामना करना है। जो हमारा इस पहला पाठ हमने जो देखा और दूसरा पाठ हमने जो देखा, जो हमें यही सीख देता है कि हमें हमारी कठिनाइयों से आगे बढ़ना है, उसका सामना करना है। कनस्तर, टीन का पीपा, ये ज़्यादातर पतरे का बना हुआ होता है, इसमें गेहूँ चावल आदि यह सामान रखे जाते हैं जिसमें वो सुरक्षित रहते हैं, इसको कहते हैं कनस्तर। प्रयास, प्रयास करना यानी कोशिश करना, प्रयास कोशिश। हमला आक्रमण, हमला आक्रमण धावा, किसी पे अटैक करना इसे कहते हैं हमला। पुरस्कृत, जिसने पुरस्कार प्राप्त किया हो, पुरस्कृत जिसने पुरस्कार प्राप्त किया हो, विनर ऑफ अवार्ड। इन सभी शब्दों को आपको आपकी कॉपी में भी लिखना है। चलिए अब हम आगे पढ़ते विलोम शब्द, इसको भी आपको मेरे पीछे दोहराना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी का किसी का उल्टा अर्थ हो जो निकलता है उसे कहते हैं विलोम शब्द। बाहर भीतर, बाहर भीतर। आकाश पाताल, पाताल यानी पृथ्वी जमीन, आकाश पाताल। बंद खुला, बंद खुला। थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। साहसी कायर, साहसी कायर। साहसी यानी अच्छे से काम करना, उसका डट कर सामना। कायर यानी उससे जो भाग जाता है उसे कहते हैं कायर। अगर आपके सामने कोई मुसीबत हो और उसका बिना सामना किए वहां से भाग जाते हैं, डर जाते हैं, तो इसे कहते हैं कायर। तो मुझे लगता है आप भी साहसी हो, आप में से कोई भी कायर नहीं है, तो आप सभी लोग साहसी बच्चे हो। पहाड़ राई, पहाड़, पहाड़ यानी जो बहुत बड़ा होता है, और राई यानी छोटी, जो हम दाल में वगैरह जो डालते हैं जो इतनी छोटी छोटी होती है, तो पहाड़ यानी बहुत ज़्यादा, राई यानी छोटा, तो इसका पहाड़ का विलोम शब्द है राई, पहाड़ राई। बूढ़ा जवान, बूढ़ा जवान। समझ ना समझ, समझ ना समझ। जिसको समझता उसको समझ कहते हैं, जिसको कितना कुछ भी समझाने पर जो नहीं समझता उसको कहते हैं ना समझ। इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए आपका पन्ना नंबर 16 निकालिए, उसके नीचे आपको पाठ का बोध, कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको वहाँ पे पेंसिल हाथ में लीजिए और आपको वहाँ पे टिक करना है। उम्मीद है आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा और आप इसके सारे सही जवाब दे देंगे। पहला, सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। पहाड़ की तलहटी में बसे गांव का नाम क्या था, पहाड़ की तलहटी में बसे गांव का नाम क्या था? रानीखेत, सराईखेत, भराईखेत। और एक बार बताती हूँ, रानीखेत, सराईखेत, भराईखेत। जी बिल्कुल सही, तो इसका सही जवाब है सराईखेत। ख, गांव के चारों ओर कौन से पेड़ लगे थे, गांव के चारों ओर कौन से पेड़ लगे थे? पीपल नीम, नीम चीड़, चीड़ देवनार। पीपल नीम, नीम चीड़, चीड़ देवनार। तो इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है चीड़ और देवनार। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यवसाय यानी काम जिससे उनका रोजगार चलता हो, तो गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खिलौने बनाना, खेती करना या मछलियाँ पकड़ना। खिलौने बनाना, खेती करना या मछलियाँ पकड़ना। तो वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? जी बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है खेती करना। बच्चे क्या देखकर शोर मचाने लग गए, बच्चे क्या देखकर शोर मचाने लग गए? सांप, भालू, बंदर। सांप, भालू, बंदर।
तो बच्चे क्या है इसका सही जवाब? बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब क्या है? भालू। तो बच्चे भालू को देखकर शोर मचाने लग गए। चलिए उसी का नीचे का प्रश्न दूसरा देखते हैं। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आपको यहाँ पे कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए, साहसी, शाबाशी, दरांती, दंग, भालू। इसका मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ, आपको पेंसिल से इसका जवाब वहाँ पर उस किताब में लिखना है। सभी ने ले लिया है ना? जंगली जानवरों को वह डैश लेकर खदेड़ दिया करती थी। मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। जंगली जानवरों को वह डैश लेकर खदेड़ दिया करती थी। कौन? नीलिमा। तो नीलिमा जानवरों को क्या लेकर खदेड़ दिया करती थी? सही जवाब, दरांती। तो जंगली जानवरों को वह दरांती लेकर खदेड़ दिया करती थी। जंगलों के बीच यदि रहना है तो डैश होना ही पड़ेगा। जंगलों के बीच यदि रहना है तो डैश होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा अगर हमें जंगलों के बीच रहना है तो? सही जवाब, जंगलों के बीच रहना है तो हमें साहसी होना ही पड़ेगा। जिस तरह नीलिमा ने हर सामना किया है उस तरह हमें भी साहसी बनना है, ना कि कायर बनना है। अचानक डैश ने उस पर हमला कर दिया। उस छोटी सी बच्ची पर अचानक किसने हमला कर दिया? जी बिल्कुल सही जवाब, अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। सभी लोग नीलू के इस साहस को देखकर डैश थे। सभी लोग नीलिमा के इस साहस को देखकर क्या थे? जी सही जवाब, दंग थे, आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। सभी ने नीलू को खूब डैश दी। जब उसका हैरत अंगेज कारनामा देखकर सभी ने नीलू को क्या दी? शाबाशी दी। जी बिल्कुल सही, सभी ने नीलू को खूब शाबाशी दी। चलिए आप ही के पाठ्यपुस्तिका में प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपको कक्षा 3 में आपने पढ़ा है कि आपको पूरा वाक्य दिया जाएगा, उस पूरे वाक्य के लिए आपको एक ही शब्द लिखना होता है। हमने पाठ कक्षा क्रमांक 3 में इसको पढ़ा था। जैसे मैं आपको पहला पढ़कर सुनाती हूँ, जिसके मन में डर ना हो, जो किसी से नहीं डरता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जिसके मन में जो डर ना हो तो उसे कहते हैं निडर। दूसरा है, जिसके हृदय में दया हो, जो दूसरों के प्रति दया रखता है, उसे कहते हैं दयावान। तो उसे क्या कहते हैं? दयावान। तीसरा, जो काम से जी चुराता हो, मतलब उसको कुछ काम दिया गया और वहाँ से वो भाग जाता है, वो उस काम को वो नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं? कामचोर। आप लोग सभी लोग तो काम करते ही होंगे, आप कोई कामचोर नहीं होगा, मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है। जो काम से जी चुराता हो उसे कहते हैं कामचोर। चौथा, जहाँ पहुँचना सरल हो, जहाँ से हम आसानी से जा सकते हैं, उसे कहते हैं सुगम। सुगम यानी वो रास्ता हमको आसान है, हम वहाँ से आसानी से जा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसे कहते हैं सुगम। जो ईश्वर को न मानता हो उसे क्या कहते हैं? जो भगवान को नहीं मानता कि दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। जो देखने योग्य हो, मतलब हम उसको देख सकते हैं, उसे देखने पर खुशी हो, हम उसको देखने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं दर्शनीय। उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो सभी लोगों को पसंद हो, जो सभी लोगों को पसंद हो, बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं, तो उसे कहते हैं लोकप्रिय। जैसे आपका कोई फेवरेट होगा, जैसे आप एक्टर्स एक्ट्रेस जो बहुत लोगों को आप पसंद करते हैं, तो आपके क्या हो जाते हैं? वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, वो लोकप्रिय कहलाते हैं। उम्मीद है आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा, और जो प्रश्न समझाए मैंने वो भी आपको समझ में आ गए हैं। आपको आपकी किताब में इसे लिखना है और इस पाठ को दोबारा पढ़ना है। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।